हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शोमाली। आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूं विंटर हेयर केयर रूटीन। एक्चुअली विंटर हेयर केयर रूटीन मैं स्पेशली आपके साथ शेयर इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि विंटर में ज़्यादातर हेयर के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इच स्कैल्प, डैंड्रफ, वो भी दो तरीके के, ऑयली डैंड्रफ और ड्राई डैंड्रफ, जो कि ऐसे गिर के ड्राई डैंड्रफ जो कि हमारे शोल्डर पे आ जाते हैं उसे कहते हैं ड्राई डैंड्रफ, और जो कि ऐसे स्कैल्प के साथ चिपक के रहते हैं उसे कहते हैं ऑयली डैंड्रफ, जिसके वजह से हमारे हेयर फॉल हो सकते हैं, हेयर ग्रोथ स्टॉप हो सकते हैं क्योंकि वो हेयर फॉलिकल्स को कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। और स्पेशली बहुत सारे मेरे पास रिक्वेस्ट आए थे कि जब भी आप अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रूटीन के बारे में हमें बताइए, स्किन और हेयर के बारे में, जिससे हमें एक छोटा मोटा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमें अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा ठंड से, क्योंकि बैंगलोर में ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है, पर बैंगलोर के बाहर इंडिया के और सारे जो स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अगर आप वहाँ से हो तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको ये इस वीडियो की। तो चलिए देर ना करके शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरह से एक्चुअली आपके हेयर केयर रूटीन होना चाहिए विंटर में, और उसके साथ कुछ चीज़ें जो मैं आपको इंस्टेंट नहीं दिखा सकती, तो इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स देने वाली हूँ इस वीडियो के एंड में, जो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना है। और पूरे साल जिस तरह से खिला खिला रहता है आपका हेयर, सिल्की स्मूथ रहता है, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एवरी वीक में 2 से 3 बार आपको हेयर ऑयलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ हेयर ऑयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 10 in 1, यानी कि 10 प्रॉब्लम का सोल्यूशन बस एक ही ऑयल में है, तो इसका नाम दिया गया है 10 in 1। अपने हेयर को सबसे पहले दोनों तरफ डिवाइड कर लीजिए और इसे अच्छे से कॉम कर लीजिए ताकि कोई भी नॉट ना रहे। और अभी इस ऑयल को मैं थोड़ा सा अपने पंप पे लूंगी और धीरे धीरे अपने स्कैल्प पे इसे अप्लाई करूंगी। सबसे पहले स्कैल्प पे अप्लाई करना जरूरी है और उसके बाद पूरे हेयर में। और विंटर सीजन में जब भी आप हेयर ऑयलिंग करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि हेयर ऑयलिंग के बाद ही आप इसे छोड़ मत देना। हेयर ऑयलिंग के बाद हमेशा थोड़ी देर के लिए हेयर को मसाज करना, तो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि रूट बहुत ड्राई हो जाते हैं विंटर सीजन में, तो अगर थोड़ा सा आप इस तरह से हेयर मसाज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा और इसके वजह से हेयर फॉल का चांसेस कम रहता है और हेयर ग्रोथ का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। स्कैल्प अच्छी तरह से मसाज हो जाए उसके बाद ही आप पूरे हेयर में ऑयल अप्लाई कीजिए। जस्ट एक मिराकल हेयर ऑयल है, मतलब ये इतनी अच्छी तरह से आपकी हेयर में काम करेगा कि हेयर के जो भी प्रॉब्लम्स है, 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो हेयर के लिए नहीं हो सकता। तो डैंड्रफ हो या स्प्लिट एंड हो या आपकी हेयर ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम हो, तो हर एक प्रॉब्लम इसे रेगुलर यूज करने से आपका सॉल्व हो सकता है। ये जो हेयर ऑयल है ये बायो एक्टिव हेयर केयर है, मेड विथ नेचुरल बायोटिकल ऑयल्स, विंगराज एक्सट्रैक्ट एंड टी ट्री एंड रोजमेरी एसेंशियल ऑयल्स। ये हेयर के रूट को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, बालों को सॉफ्ट बनाते हैं, डैंड्रफ कंट्रोल करते हैं और हेयर फॉल में तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और विंटर सीजन में जो बालों के मॉइस्चर लेवल कम हो जाते हैं जिसके कारण हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगता है, डैंड्रफ हो जाते हैं, तो उस मॉइस्चर लेवल को भी ये बैलेंस करते हैं और आपके हेयर को बहुत ही ज़्यादा सिल्की, शाइनी एंड सॉफ्ट बनाने में हेल्प करते हैं। इसमें कोई भी मिनरल ऑयल या पैराबेंस नहीं है, तो ये आपके हेयर के लिए बिल्कुल सेफ है। हेयर ऑयलिंग के बाद अपने हेयर को एक बैंड से टाई कर लीजिए और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 5 मिनट के लिए बस थोड़ा सा धूप दिखा लीजिए। तो जब अब हेयर ऑयलिंग के बाद थोड़ा सा धूप में खड़े होंगे तो ये आपके हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। शैम्पू मैं यूज कर रही हूँ वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। तो एक मग या तो एक बोल में लेना पड़ेगा थोड़ा सा वाटर और इसमें मैं शैम्पू को ऐड करूंगी और इसके बाद इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। और फिर ये जो शैम्पू है इसे अभी मैं यूज़ करूंगी अपने हेयर पे। डायरेक्टली शैम्पू यूज़ करना हेयर पे ठीक नहीं है, पर वो हम यूज़ कर सकते हैं किसी और सीजन में, पर विंटर और मॉनसून के सीजन में तो बिल्कुल भी डायरेक्टली शैम्पू यूज़ नहीं करना चाहिए स्कैल्प पे। शैम्पू में जो थोड़ा बहुत केमिकल रहता है तो उसका असर भी स्कैल्प पे ज़्यादा नहीं पड़ते और ये बहुत आसानी से पूरे हेयर में, मतलब पूरे स्कैल्प पे स्प्रेड भी हो जाते हैं। इस तरह से शैम्पू करना भी आसान हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से आप हेयर को क्लीन भी कर पाएंगे। कंडीशनर भी मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का। इस कंडीशनर के कंटेंट है ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल।
ये कलर ट्रीटमेंट हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि अगर आपके हेयर कलर किया हुआ है तो आपको शायद डर लग सकता है कि कंडीशनर कहीं कलर को फेड ना कर दे, तो ये उसके लिए भी सेफ है। गाइज मेरा जो ये हेयर है अभी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, तो अभी ड्राई होने के बाद मैं एकदम से इसे कॉम्ब नहीं करूंगी, जबकि ये ऑलरेडी स्ट्रेट है तो ये कुछ कॉम्ब जैसे लगता है पर मैंने इसे कॉम्ब नहीं किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक बॉटल में थोड़ा सा मैं लूंगी पानी और उसके साथ मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा एलोवेरा जेल, और ये है वाओ का एलोवेरा जेल जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है और मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका जो कलर है ये वाइट है बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा की तरह, तो ये मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है। और इस सीरम को बनाने के बाद आप इसे लंबे टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, तो जब भी आप हेयर वॉश करेंगे तो इस सीरम को आप यूज कर सकते हैं। अभी इसे अच्छी तरह से शेक कर लीजिए और ये मिक्स हो जाएगा, तो अभी इसे अपनी हेयर में स्प्रे कर लीजिए। हेयर वॉश के बाद हमेशा कोई ना कोई सीरम यूज कीजिए, पर जबकि विंटर सीजन में वैसे ही हेयर का रूट बहुत वीक हो जाते हैं, तो इस टाइम में मैं आपको केमिकल तो सजेस्ट नहीं करूंगी और शैम्पू कंडीशनर का हम कुछ कर नहीं सकते, वो हमें बाहर के प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। तो सीरम के बहुत सारे वे है कि सीरम हम घर में भी बना सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सीरम हमेशा घर में बना के यूज कीजिए और एलोवेरा से अच्छे सीरम और कुछ हो नहीं सकता। गाइज यहाँ पे और एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी कि विंटर सीजन में एवरी वीक एक बार एटलीस्ट एक बार आप कोई ना कोई हेयर मास्क यूज कीजिए, और हेयर मास्क ऐसा होना चाहिए जो कि बाहर के प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप मतलब यूज करना ही चाहते हैं, मतलब कोई उपाय नहीं है आपके पास, इतना टाइम नहीं है घर के बनाए हुए, तो आप यूज कर लीजिए, पर वो 2 वीक में एक बार यूज कीजिए अगर आप बाहर के हेयर मास्क यूज करते तो। बट अगर घर का बना हुआ हो जैसे कि कर्ड बनाना, फिर जो एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा का जो जेल है उसे आप अपना हेयर मास्क बना सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कीजिए, विंटर में हनी का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है हेयर के लिए, स्किन के लिए, या तो हमारे हेल्थ के लिए भी, क्योंकि हनी थोड़ा सा वर्म होते हैं विंटर सीजन में, जो ठंड की वजह से जो सारे डैमेजेस होते हैं हमारे स्किन हेयर के लिए वो कम कर देते हैं हनी, तो हनी तो विंटर हेयर केयर और स्किन केयर में जरूर यूज करने की कोशिश कीजिए। विंटर में अपने हेयर को कभी भी कस के मत बांधना, जब भी आप उसको मतलब बांधना होगा तो थोड़ा सा लाइट ऐसा कोई हेयर स्टाइल कीजिए जो कि बहुत ही लाइट बनता है। स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ हो तो बहुत इचिंग होता है, तो इचिंग के टाइम में आप अपने नेल को यूज मत कीजिए, अगर बहुत ज्यादा इचिंग होता है तो थोड़ा सा कॉम्ब कर लीजिए, वैसे भी दिन में 2 से 3 बार कॉम्ब करना बहुत जरूरी है, पर हम हेयर स्टाइल के लिए कभी कभी कॉम्ब करने से थोड़ा ऐसे सिंपल सा मतलब स्ट्रेट हो जाते हैं हेयर, तो इसलिए हम क्या करते ऐसे ऐसे करते रहते, ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्टाइल बनाते रहते, तो इस चीज को कम कीजिएगा, क्योंकि हमारे फिंगर में नेल्स होते हैं और ये नेल जब स्कैल्प पे लगेगा तो हेयर के लिए खतरनाक हो सकते हैं और आपके स्कैल्प के लिए भी। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्के से कॉम्ब आपके स्कैल्प पे दीजिए और हल्का सा ऐसे इचिंग करने की कोशिश कीजिए थोड़ा कम, और अगर आपका ज्यादा इची स्कैल्प है तो आप अनियन जूस यूज कीजिए प्लीज। गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। गाइस मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा विंटर स्किन केयर रूटीन, जो कि टीनेजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मैं जो सारे चीजें दिखाऊंगी और जो सारे रेमेडीज के बारे में बताऊंगी, आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और बड़ों के लिए तो ऑब्वियसली, पर टीनेजर्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत ही कम खर्च में आ जाएगा स्किन केयर रूटीन। और स्टूडेंट के लिए जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो ऑब्वियसली पॉकेट मनी की तरफ ध्यान मैं जरूर देती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।